अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड रश। पानी में तैरने वाली आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन रेत में तैरने वाली चीज़ आपने बहुत कम देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन सैंड स्विमर स्किंक लिजर्ड के बारे में। आज हम इस रेगिस्तान में उस लिजर्ड को ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद मैं आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा वाइल्ड रश। तो हमारा आज का सब्जेक्ट जो है नॉक्टर्नल है। रात के वक्त वो एक्टिव होता है, बाहर निकलता है, अपना शिकार करता है। उसको ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाला हूँ। एक आटे छानने वाली छाननी के साथ हम उसको पकड़ सकते हैं। ढूंढना कैसे है कि आपने उसके ट्रैप्स को फॉलो करना है। अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी लीजर्स के, बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स के जो है ट्रैप्स जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, पैटर्न नज़र आ रहे होंगे। लेकिन हमारा जो आज का सब्जेक्ट है इंडियन सैंड स्विमर, जिसको रेग माही भी कहा जाता है, उसका पैटर्न जो है कुछ इस तरह का होता है। उसकी टांगें छोटी होती हैं और इस तरह से चलता है। तो ये जहाँ पे पैटर्न हमारा एंड होगा, हम इस छाननी से उसको ऐसे छान लेंगे। अगर वो हुई तो हमें नज़र आ जाएगी, नहीं हुई तो हम ट्राई करते रहेंगे। तो ये देखें हमारा ये जो पैटर्न है यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कि वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, वो जो है अपनी होल जो है खुद नहीं बनाती, बनी बनी होल में चली जाती हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये देखें। तो एक पत्ते के अलावा कुछ नहीं मिला। तो एक ट्राई और करते हैं। काफ़ी सारे पैटर्न जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे सीन मैं कट करूँगा ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। तो ढूंढते हैं कुछ और। तो नहीं भी, आप ट्राई करते रहें, हो सकता है कि आपको पहली ट्राई में मिल जाए, हो सकता है कि आपको बहुत 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 मेहनत करने के बाद मिले, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता रहेगा। तो मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, ढूंढता रहूँगा जब तक गलती नहीं। तो ये देखें, तो हमें मिल चुका है हमारा आज का सब्जेक्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑफिमोरस ट्राइडेक्टाइलस, जिसको इंडियन सैंड स्विमर भी कहा जाता है। इसको थ्री टोड स्नेक स्किंक लिजर्ड भी कहा जाता है। इसको रेग माही भी कहा जाता है। हमारी इस स्किंक लिजर्ड का ताल्लुक सिंकिनाडी फैमिली से है। इस फैमिली में 1500 के करीब जो है स्किंक लिजर्ड पाई जाती हैं। ऑफिमोरस ट्राइडेक्टाइलस की 14 के करीब इकसाम जो है स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये लिजर्ड, हमारे स्किंक लिजर्ड जो हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के सहराई एरिया में पाई जाती हैं। ये नॉक्टर्नल होती हैं, रात के वक्त निकलती हैं और ये इंसेक्टिवर्स होती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाना पसंद करती हैं। रेगिस्तान में, डेजर्ट में स्पेशली तौर पर चींटियों को ये खाना बहुत बहुत पसंद करती हैं। ये अपनी होल जो है, अपनी बोरो जो है खुद नहीं बना सकती, छोटी छोटी बोरो जो होती हैं उसमें घुस जाती हैं और रेत के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से स्विम करती हैं। अभी देखें, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो वो गई। तो ये ऐसे स्विम कर लेती हैं। हेड से लेके टेल के एंड तक इसकी लंबाई जो है 7 से 8 इंच के करीब हो सकती है। वज़न इसका 25 से 35 ग्राम के बीच बीच होता है। तो स्किंक लिजर्ड और हमारी कॉमन लिजर्ड जो है उनको पहचाना बहुत ही आसान होता है। जो हमारी कॉमन दूसरी लिजर्ड होती हैं उनका हेड जो होता है वेल डिफाइंड होता है, आप बॉडी और उनका सर जो है अलग अलग पहचान सकते हैं, आपको वाजह तौर पर नज़र आता है। जबकि हमारी स्किंक लिजर्ड का हेड जो होता है बॉडी के साथ फ्यूज हुआ होता है, बिल्कुल बुलेट मेट्रो ट्रेन की तरह, ये देखें। और इनकी पहचान की दूसरी बड़ी वजह ये कि इनकी टांगें जो होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं। ये देखें कितनी छोटी छोटी इसकी
टांगे हैं। और तीसरा फर्क ये है कि ये हमारे स्किंक लिजर जो है जमीन के अंदर रहना पसंद करती हैं, जबकि बाकी लिजर जो होती हैं वो ज़मीन के बाहर रहना पसंद करती हैं। तो आप इनको बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं। अगर इनके प्रेडेटर्स की, इनके शिकारियों की बात करें तो डेजर्ट में पाए जाने वाले स्नेक, बड़ी लिजर्स और हॉक्स वगैरह जो होते हैं, फैल्कन वगैरह, वो इनका शिकार करते हैं। और इसके अलावा मोंगोज, नेवले जो हैं वो इनका शिकार करना, इनको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर बात करें इनके ब्रीडिंग सीज़न की, तो मॉनसून के बाद, मॉनसून के दौरान इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है, क्योंकि तब इनके लिए खुराक हासिल करना बहुत ही आसान होता है। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको ओवोविविपेरस कहा जाता है। ये वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें एक एनिमल जो है अपने जिस्म के अंदर अंडों को सींचता है, अंडों को बनाता है, और वो अंडे जो हैं उसी एनिमल के अंदर नरिशमेंट लेते हैं। अंडों से हैचिंग जो है उस एनिमल के अंदर ही हो जाती है, और वो बच्चे जो हैं बर्थ की सूरत में बाहर निकलते हैं। तो इस चीज़ को, इस टर्मिनोलॉजी को जो है ओवोविविपेरस कहा जाता है। तो हमारी इंडियन सैंड स्विमर, हमारी रेग माही जो है, ये ओवोविविपेरस है। तो इंसानों से इसको इसलिए ख़तरा है कि बहुत सारे हकीम हजरात जो है बहुत सारी मनगढ़ंत बातें बता के इनकी फरोख्त करते हैं, इनको बेचते हैं, जबकि वो सारी की सारी बातें गलत हैं। तो अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का, आज़ाद करने का। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड या इंसेक्ट के साथ। देखते रहिएगा वाइल्ड रश। रिलीज़ करने से पहले एक पप्पी तो बनती है। बाय बाय।